आज हम बनाएंगे कॉर्न सूप। इसके लिए हमने लिया है 1/2 कप फ्रोजन कॉर्न। अगर आपके पास बॉइल कॉर्न है तो वो भी ले सकते हैं। इसको हम मिक्सर जार में डाल के ये 1/2 कप पानी डाल के इसको अच्छा सा स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए हमारा कॉर्न की प्यूरी एकदम पेस्ट है, एकदम फाइन पेस्ट। नहीं तो आप इसको छान भी सकते हैं, नहीं तो वो कॉर्न के जो छिलके छिलके हैं वो सब आएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। 2 ग्लास पानी गर्म रखने के लिए रख दिया है, ये गर्म हो गया। अब इसमें डालेंगे 1 कप फ्रोजन कॉर्न। अब बीन्स करना है इसको। अब इसमें डालेंगे 2 टीस्पून शक्कर, अच्छे से डालना है 2 टीस्पून। अब इसको बॉईल करेंगे और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और पेपर पाउडर। 10 मिनट्स के बाद हमारा सूप ऑलमोस्ट रेडी हो गया। अब अगर बटर डालना चाहते हैं तो आप इस पर बटर डाल के बॉईल आने के बाद फ्लेम ऑफ करके सर्व कर सकते हैं। अब मैं बटर नहीं डाल रही हूँ, ऐसे ही सर्व करेंगे। होटल जैसा, रेस्टोरेंट जैसा लग रहा है। ये लीजिए हमारा कॉर्न सूप रेडी।